अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम जी आई एन यू, खुशामदीद। नायला की दावत में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी सी, बहुत सी अच्छी रेसिपी लेके आए हैं। तो जो आज हम बनाने वाले हैं वो है कीमा आलू। तो चले, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस रेसिपी के लिए वो मैं आपको बताती हूँ अभी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर टैप कीजिए। चलिए व्यूज, अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमें प्याज जो है डाल दी हमने, और इनको हम लाल करेंगे जिस तरह हम नोबली करते हैं। किसी भी सालन की बेस के जो हम बनाते हैं कड़ी की कोई बेस, तो उसको हम प्याजों को ज़रा गोल्डन ब्राउन करते हैं। चलिए व्यूज, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो है हमारे प्याज वो होने शुरू हो चुके हैं ब्राउन। अब ये करेंगे कि अदरक लहसुन जो है हमने पीस के फ्रीज किया हुआ था, इसको बस इस तरह डाल रहे हैं। बहुत ही आसान है, अगर आपके पास फ्रेश है अदरक लहसुन तो उसको पीस लें, और आइस क्यूब में जो होते हैं मिलते हैं ट्रे, उसमें डाल के इनको फ्रीज कर लें। तो इस तरह फिर आपके नाइस परफेक्ट जो है हो जाएंगे अदरक लहसुन फ्रोजन भी। बस हमने वो डाल दिया इसके अंदर, वेट कर रहे हैं ये जरा लाल करते हैं। उसके बाद जो हमारे टमाटर है वो ऐड करेंगे। चलिए व्यूज, हमने टमाटर जो है हमारे अंदर डाल दिए। बस अब बस इसको हम थोड़ा सा लाल करेंगे, जब तक इसका जो है कलर टमाटर का वो चेंज नहीं होता, थोड़ा डार्कर हो जाता है। तो उसके बाद में जो हमारे मसाले हैं वो हम अंदर ऐड करेंगे। चलिए व्यूज, हमारे टमाटर का जो रंग है वो बदल चुके हैं, थोड़ा डार्कर हो गया। अब जो हमारे सारे मसाले हैं बस इस तरह ही हमने अंदर ऐड करने, सारे मसाले तमाम जो है इसी तरह ही, और इसको हम मिक्स कर दें अच्छी तरह से। इसको तकरीबन हम 30 सेकंड इस तरह ही मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारे मसाले अच्छे से रच जाएं इसके अंदर। और उसके बाद जो हमारा कीमा है वो हम अंदर ऐड कर देंगे। इस पॉइंट हम ये करेंगे कि थोड़ा सा जो नींबू है वो भी अंदर हमें डाल दिए, तकरीबन अबाउट अ टी स्पून एंड हाफ। और साथ में ये करेंगे कि जो हमारा कीमा है वो भी बस इस तरह ही अंदर ऐड कर देंगे, जो हमारा कीमा है, और इस तरह ही इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फिर भी बस हम ये वेट करेंगे कि हमारा जो कीमा है इसको थोड़ा सा भून रहे हैं हम इस तरह ही, जैसे आप देख सकते हैं। और साथ में अब थोड़ी देर तक जो है आलू हमारे वो बस ऐड कर देंगे अंदर, और साथ में इसमें पानी हम डाल देंगे। तो बस बस इसको हम भून रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आलू डालेंगे अंदर। जब बारी आएगी हमारे आलू डालने के अंदर, बस हम ये कर रहे हैं ही अपने जो आलू है वो हम डाल रहे हैं, और इसको फिर हम स्टर करेंगे अच्छी तरह से। तो बस जो आलू है तमाम इस तरह आलू डाल दिए हमने, और अब इसमें ये करेंगे कि जो है पानी वो डालेंगे, ताकि आलू जो है वो भी गल जाए, और अगर कीमा में कोई भी कच्चापन बाकी है तो वो भी साथ ही इसके साथ वो भी पक जाए। तो बस हीट जो हमारी है लो पर आ रही है, लो टू स्लाइट मीडियम, इसको अब हम कवर कर देंगे, और इसके बाद इसको छोड़ देंगे जब तक आलू गल नहीं जाते। चलिए भी जब हम चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है,
और हमारे आलू भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से गल चुके हैं। बस ये करते हैं कि जो आग है वो फिर से तेज़ कर देंगे। अब इसके अंदर ये करेंगे कि जो हमारी हरी मिर्चें हैं वो बस ऐड कर रहे हैं इसमें अंदर, और साथ में मुझे बहुत पसंद है जो कि है शान पर कीमे का मसाला, तो वो जो है ज़रूर इसके अंदर ऐड करती हूँ टूवर्ड दी एंड। इस तरह ही अबाउट अ टी स्पून ऐड करती हूँ अंदर और उसको स्टर करेंगे हम अच्छी तरह से। अब ये ऑप्शन है कि आप बेशक डालें मसाला या ना डालें, वो आपकी मर्जी, टू बी योर चॉइस। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है हमारे खाने में वो है मेथी का, कसूरी मेथी जो है वो भी मैं थोड़ी सी अबाउट अ टी स्पून अंदर डालती हूँ इस तरह, और इसको मैं स्टर करूँगी इस तरह से और इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ताकि जो है कसूरी मेथी वो अच्छी तरह से पक जाए। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो अगली स्टेप है वो क्या है। फिर भी इसको हो चुके हैं बाद 1-2 मिनट, तो बस ये करूँगी अब मैं कि धनिया जो है वो बस ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। हमारे धनिया जो है वो फ्रोज़न है, आप बेशक फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह धनिया मैंने डाल दी, तो स्टर करेंगे इसको अबाउट 30 सेकेंड्स और देंगे, उसके बाद मैं सर्व करूँगी और फ्राई करूँगी और आपको बताऊँगी इसका टेस्ट कितना आता है। चलिए व्यूज, जो हमारी डिश है उसको सर्व करने से पहले हमने सोचा कि हम आपको दिखाएं कि जो दावत होती है जब कोई आपकी तरफ आए तो आप टेबल किस तरह सेट कर सकते हैं। एक छोटी सी आइडिया है आप सबके लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने टेबल किस तरह सेट किए हैं, किस तरह की सेटिंग्स की हैं, ये नैपकिन हमने किस तरह फोल्ड किए हैं, तो आप ज़रूर नीचे कॉमेंट करें और हम आपको दिखाएंगे कि आप टेबल किस तरह सेट कर सकते हैं, आप प्लेटों को किस तरह रख सकते हैं और अपने मेहमानों को किस तरह आप इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं हमारी डिश को और मैं आपको बताऊंगी उसका टेस्ट किस तरह का है। चिलवीज, ये जो है हमारी बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार डिश हो चुकी है तैयार। तो बस इसको मैं अब टेस्ट करती हूँ आपके सामने और आपको बताऊँगी इसका जो टेस्ट है वो किस तरह का है। तो ये आलू ले लिया, साथ में थोड़ा सा कीमा ले लिया और मैं आपको बताती हूँ। कोई मज़ेदार है, वाओ, इतना ये मज़े का है। बेशक आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, भटूरों के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इसका जो है ना टेस्ट धमाकेदार है, बहुत ही लजीज है। चलिए व्यूअर्स, अगर आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। नाइल की दावत में आप सब वेलकम हो।